गाइस आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ एक दो तीन तीन क्वेश्चन। बोले तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच आई कैन अर्न इन दुबई। बोले तो दुबई जाके मैं कितना कमा सकता हूँ। मान लो आप इंडिया में हो और जाना चाहते हैं दुबई और सोच रहे हैं मन ही मन में, अरे यार मैं वहाँ जाऊँगा कितना कमा लूँगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, राइट? जानना चाहते हो तो बने रहो। एंड दूसरा क्वेश्चन है क्या मैं दुबई में बिजनेस कर सकता हूँ। यार आप होम कंट्री में हो, बोले इंडिया नेपाल कहीं भी अपने कंट्री में, और सोच रहे हैं मैं वहाँ जाके मेरे को नहीं करना वो जॉब, बस मेरे को बिजनेस करना है, तो क्या ये संभव ना है? ठीक है, ये दूसरा सवाल। एंड थर्ड क्वेश्चन ये रहा जॉब करके साथ में क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ थोड़ा मोड़ा, मतलब कोई भी बिजनेस क्या मैं साथ में कर सकता हूँ, क्योंकि पैंडेमिक ने ये तो सिखा दिया हमें कि जॉब में डिपेंड नहीं होना, राइट? कब बॉस लात मारेगा, कब कंपनी फायर कर देगा, नो आइडिया। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन का आंसर मिले उससे पहले मैं आप सबको स्वागत करना चाहूंगा। नमस्ते टची दिले सलाम वालेकुम, आप सबको स्वागत करते हैं अपना जीएस प्रोमा चैनल में। ओके, आप सब तो मुझे कमेंट्स करते नहीं हो तो मैंने खुद ही लिख दिया दो तीन क्वेश्चन और सोचा कि आपको अपडेट देते हैं। चलो, जो पहला का क्वेश्चन था हाउ मच आई कैन अर्न दुबई, कितना कमा सकोगे, किस कैसे, जॉब से या बिजनेस से, राइट? क्योंकि दुबई में आ गया तो या जॉब करना है या बिजनेस करना है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। देन यदि मान लो जॉब करके मैं कितना कमा सकूंगा, बोले तो जॉब में दो प्रकार का होता है, एक हाई प्रोफाइल एक हमारे तरह। हाई प्रोफाइल जो होता है डॉक्टर इंजीनियर, उसका तो हम बात ना करें चलेगा, क्योंकि मेरा वीडियो लोग देखने वाला तो है नहीं। फिर भी आपका जानकारी के लिए बता दूं, जो यहाँ इंजीनियर डॉक्टर दोनों कितना कमाते हैं, 50,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख इतना कमाते हैं। वो इंडिया का 1-2 लाख नहीं रहे मेरे भाई, दुबई का 1 लाख बोले तो इंडिया का कितना होता है, बोले तो बाप रे 20 लाख। तो सोचो पाकिस्तान में कितना होगा, नेपाल में कितना होगा, राइट? ओके, हाँ, फिर ये उनके लिए नहीं है वैसे, ये किसके लिए बोनस है, उनके लिए जो हमारे तरह है, लगभग क्लास 10 पढ़ाई किया है, 12 किया है, ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए। तो वो लोग कितना कमाता होगा, लगभग एक एस्टिमेट बोले तो 2,000 से 7,000 8,000 इतना तक का अंदर रेंज में ये लोग कमाता है। किसी का 2,000 3,000 4,000 2,000 3,000 मैक्सिमम जाता है तो 8-7 तक जाता है, ठीक है? उससे नीचे वाला क्या है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है, क्लीनिंग में काम करता है, सप्लाई कंपनी में काम करता है, वो लोग है बेचारा 800 900 1,000 1,200 1,500 इतना तक। तो सोचो आपको किस चीज़ पे आना है किस पे नहीं आना है। यदि मान लो आपके अंदर पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं जानता, आप लिखने को नहीं आता, पढ़ने को नहीं आता, तो मैं तो क्लीनिंग में काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा, ये सोचने से आपको सोच गलत है, क्योंकि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है। मेरा वीडियो देखता ना पहले का, तो वाकई में आप ये गलती नहीं सोचता। क्यों बोले से आप पढ़ा लिखा नहीं है, लिखने नहीं जानता आपको, पढ़ने नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ स्किल तो सीख लो। स्किल बोले तो सबसे बेस्ट मेरे को क्या लगता है पता है, गैराज में काम करना। एक तो वो घर के अंदर है, बाहर धूप में जाने की जरूरत नहीं। दूसरा चीज़ पता है, आप 1 साल कर लोगे गैराज में, 2 साल कर लोगे, मान लो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक आपको वो लोग सिर्फ 1,000 रुपये पे कर रहा है या 500 रुपये भी पे कर रहा है, बस आप चीज़ें सीख रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं। लेकिन 4-5 साल के बाद जो आप बैकबोन्स मारोगे ना, वो गाड़ी हिला देगा भाई गाड़ी नहीं दुनिया हिला देगा, क्योंकि उसके बाद आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और बोले तो अपना एक गैराज खोल दे, ओए होए होए होए, अपना एक बड़ा गैराज खोल जाए ना यूएई में, यहाँ का जो बड़ा बड़ा लोग है, यहाँ सब पैसे वाला है, पैसे वाला दुबई में, हमारे तो गरीब है ना जो गाड़ी भी नहीं रखता हो, पैसे वाला, और पैसे वाला के लिए वो 100-200 रुपये उनके मायने नहीं रखता, वो लोग चकाचक गाड़ी चलाता है, अच्छा बनाओ बोलते हैं, जब अच्छा बनाने के लोग पैसा जितना भी फेंकने को राजी है। मेरे एक दोस्त है ना, मैंने लास्ट टाइम को दिखाया था, वो शारजा में काम करते हैं, वो लगभग मंथली 30,000 दिरहम कमाता है। सोचो वो पढ़ा लिखा भी नहीं है ज़्यादा, उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता ठीक से, लेकिन कम्युनिकेट कर लेते हैं। क्यों? मतलब उसने लॉन्ग समय से यहाँ काम किया, तो क्या आप नहीं कर सकते हो? ऑफकोर्स राइट, उतना तक नहीं जाओ, छोटा मोटा या फिर ड्राइवर हम उधर कर लो, एटलीस्ट 2,000 3,000 से तो अच्छे सैलरी मिल रहा है, एटलीस्ट आपको घर चल सकते हैं, आपको फ्यूचर सोच सकते हैं, साथ में अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये रहा पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो सवाल था उसका आंसर। देन हम चलते हैं, क्या मैं दुबई में बिजनेस कर सकता हूँ, ओके, या जो भी करना होगा, तो इसका सवाल क्या है। मान लो आप इंडिया नेपाल कहीं भी अपना कंट्री में और सोच रहे हैं कि वहाँ जाके मैं बिजनेस करूँगा, हाँ, इसमें दो चीज़ें हो सकते हैं। एक वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है इंडिया में, मान लो करोड़ों रुपया है, क्या वो लोग कर सकते हैं? डेफिनेटली उसके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ आपको नॉलेज ना भी होना चलेगा, पैसा होना चाहिए। क्यों बोले से उनके लिए है काफ़ी सारा ब्रोकर, काफ़ी सारा एजेंसी, दे विल हेल्प यू आउट एवरीथिंग, सब चीज़ में वो लोग मदद कर देगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग। आप घर में बस ऐसे करके पैर ऐसे करके बैठ जाओ, बस सारा कुछ वो करके देगा आपको, यदि आपके पास करोड़ रुपया है तो। देन
यदि जो लोग हैं लगभग इंडिया का 1-2 लाख मैनेज कर सकते हैं लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि उसका विजन है हाई, एम्बिशन है हाई, बोले तो बड़ा गोल रखता है, देन ओके देर आर मेनी बिजनेस, बहुत सारा बिजनेस है छोटा छोटा छोटा, अरे देखो बूंद बूंद से सागर बनता है राइट, तो छोटा छोटा बिजनेस करके हम आगे जा सकते हैं। जैसे मान लो रियल एस्टेट है जो कि थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे करना है, कौन सा छोटा है, कितना छोटा है, मतलब कितने पैसे से कर सकते हैं, 2,000, 4,000, 5,000 है ना, कैसे स्टार्ट करना है, जानना चाहोगे तो कमेंट्स करो ना, आप कमेंट्स ही नहीं करता, कमेंट्स करके पूछो, बोलो कि किस तरह से हो सकता है, क्या हो सकता है, कितना पैसा लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कमेंट्स में ना कमेंट्स करने में पैसा नहीं आता, मैं आप लोग के लिए कोशिश करूंगा जब भी टाइम निकल के वीडियो बना के देने के लिए, आप लोग कमेंट्स नहीं करते, इसलिए मैं खुद लिख के आया आपके लिए। खैर चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो सवाल का जो आंसर है डेफिनेटली यू कैन डू बिजनेस यदि आप पैसे वाला है या नहीं है, इट डजंट मैटर कि आपको इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, नहीं आता, डजंट मैटर, ठीक है, टेंशन फ्री होने का। तीसरा सवाल एंड बहुत अहम सवाल है ये, जॉब के साथ क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी आपका साइड बिजनेस कर सकते हैं, डेफिनेटली यस यार, क्योंकि देखो जॉब पे नेवर स्टिक, मतलब जॉब पे डिपेंडेंट मत हो, उसमें चिपका मत रहो चिंगम की तरह, ठीक है, आप सबको मालूम है ना पेंडिंग में क्या हुआ था, कितना लोग बेचारा सुसाइड करने का उसमें आ गया था, घर में आ गया था, क्यों, क्योंकि जॉब कर रहे हैं, कंपनी यदि ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंपनी लॉस में जा रहा था, डेफिनेटली आपको फायर कर देगा, फिर आप क्या करोगे, फिर हाथ लेके मांगते फिर हो क्या, नहीं ना, इसलिए साइड में छोटा मोटा बिजनेस होना डेफिनेटली बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस नहीं रुकने वाला, आपके फैमिली के एक्सपेंसेस नहीं रुकने, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू माय डियर, सो साइड बिजनेस कर सकते हैं, और साइड बिजनेस करने का भी बहुत तरीका है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, इन चीज़ों में भी बहुत डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपको पूछता है नहीं, बस मैंने रफली ये 3 आज क्वेश्चन खुद से लिखा और आपको बताया, क्योंकि ये शायद आपको दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि पहले मैं यहाँ से पहले मुझे आया था ऐसा, सो ये अपडेट किया, कुछ और चीज़ें जानना चाहते हो तो कमेंट्स करो बताओ, ताकि मैं आपको वीडियो बना के दे सकें, ठीक है, तो आज का बस ये छोटा सा अपडेट था, उम्मीद करता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना करें, ओके लाइक ना करो चलेगा, शेयर कर दो ताकि दूसरा का भी आँख खुल जाए, जो बेचारा छोटा सोच रखता है उसको भी बड़ा सोच हो जाए, अरे यार वो कर रहा है, अरे वो बंदा बता रहा है वो वहाँ बैठ के वो, क्योंकि मैं हवा हवाई नहीं बोल रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस है बंदे के पास यार, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कोई एजुकेटेड नहीं हूँ, बहुत सारा सर्टिफिकेट वगैरह दिखाने के लिए नहीं है, हैंडराइटिंग तो इतना बुरा है देखो यार, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, राइट, सो उम्मीद करते हैं हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली।